असलम ओ अलाइकम मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसन रजा हमारे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं सीएसएस का उसके लिए हमने बुलाया है एक सीनियर डेवलपर को जिनका नाम है अयाज अहमद असलम ओ अलाइकम अयाज कैसे हैं आप जी वाहकुम सलाम मैं अल्हमदुल्ला बिल्कुल ठीक हूँ क्या आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं जी मैं रेडी हूँ ओके टू ये बताइए CSS क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह होता है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स वेब पेजेस को डेकोरेट और डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है ये एच टी एम एल एलिमेंट्स को स्टाइल लेआउट और प्रेजेंटेशन देने में मदद देता है ओके वेरी गुड इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS में क्या फर्क है Inline CSS सी एस एस एच टी एम एल के अंदर स्टाइल अट्रीब्यूट में लिखा जाता है इंटरनल सी एस एस टैग के अंदर एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के हेड में होता है और एक्सटर्नल सी एस एस सेपोरेट डॉट सी एस एस फाइल में होता है जो एच टी एम एल के साथ लिंक होता है सी एस एस क्या होते हैं और किस तरह का इस्तेमाल होता है CSS selectors एच टी एम एल को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एग्जाम्पल्स एलिमेंट selectors एच वन पी क्लास class क्लास नेम class आई डी सिलेक्टर्स हैशेड डैश नेम और मोर एडवांस सिलेक्टर्स जैसे की अट्रीब्यूट सिलेक्टर्स अट्रीब्यूट इक्वल वैल्यू होते हैं ओके सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या है बॉक्स मॉडल एच टी एम एल एलिमेंट को डिफाइन करता है ये कॉन्टेंट पैडिंग बॉर्डर और मार्जिन से मिलकर एक बॉक्स बनाता है जो एलिमेंट को डिफाइन करता है सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है फ्लेक्स एक लेआउट मॉड्यूल है जो रिस्पॉन्सिव और डायनामिक लेआउट्स बनाने में मदद देता है इससे एलिमेंट्स को रो या कॉलम में अरेंज करना आसान हो जाता है सीएसएस ग्रिड क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है ग्रिड एक पावरफुल लेआउट सिस्टम है जो रोज और कॉलम्स के ग्रिड में एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है ये कॉम्प्लेक्स लेआउट्स को क्रिएट करने में मदद देता है, होता है? क्या होती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है स्पेसिफिसिटी सी एस एस रूल्स के प्रायोरिटी लेवल को डिफाइन करता है जब मल्टीपल रूल्स एक एलिमेंट को टारगेट करते हैं स्पेसिफिसिटी का यूज करके सीएसएस के रूल्स को डिटर्मिन किया जाता है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा सीएसएस सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं सूडो क्लासेस जैसे कि हॉबर एक्टिव और सूडो एलिमेंट्स जैसे कि बिफोर आफ्टर एच टी एमएल एलिमेंट्स के स्पेसिफिक स्टेट्स और पार्ट्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं सीएसएस ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फर्क है सीएसएस ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्मूथ चेंज करने के लिए यूज होती है जबकि सीएसएस एनिमेशन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स और इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं सीएसएस प्रिप्रोसेसर्स क्या होते हैं और उनके क्या फायदे हैं सीएसएस प्रिप्रोसेसर्स जैसे कि सैस लेस सीएसएस लिखने को सिम्प्लीफाई करते हैं और वेरिएबल्स नेस्टेड सिंटैक्स मिक्स और फंक्शन जैसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो डिवेलपमेंट प्रोसेस को फास्ट और ऑर्गेनाइज बनाते हैं सीएसएस रिसेट्स और सीएसएस नॉर्मलाइज में क्या फर्क है सीएसएस रिसेट सभी ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल्स को रिमूव करता है जबकि सीएसएस नॉर्मलाइज ब्राउजर इनकन्सिस्टेंसीज को हैंडल करने के लिए स्टाइल्स को स्टैंडर्डाइज करती है मीडिया क्वेरीज क्या होते हैं और रिस्पॉन्सिव डिजाइन में उनका क्या इस्तेमाल है मीडिया क्वेरीज डिफरेंट डिवाइस और स्क्रीन साइजेस के लिए स्पेसिफिक सीएसएस रूल सेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं जिससे रिस्पॉन्सिव डिजाइन अचीव किया जा सकता है सीएसएस पोजिशनिंग क्या है और इसमें क्या तरह के वैल्यूज होती है सीएसएस पोजिशनिंग एच टी एमएल एलिमेंट्स को पेज पर किस तरह से अरेंज करना है उसको डिफाइन करता है इसमें स्टेटिक रिलेटिव एब्सल्यूट और फिक्सड वैल्यूज होती है सीएसएस वेंडर प्रीफिक्स स्क्यून और कैसे इस्तेमाल होते हैं डर प्रीफिक्स ब्राउजर स्पेसिफिक CSS प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जिससे लेटेस्ट CSS फीचर्स को एक्सपेरिमेंटल तौर पर यूज किया जा सके बिफोर स्टैंडर्डाइज हो क्रॉस ब्राउजर कंपेटेबिलिटी क्या है और इससे डील करने के लिए क्या तारीखे होते हैं क्रॉस ब्राउजर कम्पैटेबिलिटी वेरियस ब्राउजर में कंसिस्टेंट अपियरेंस और फंक्शनैलिटी मेंटेन करना है इसके लिए फीचर डिटेक्शन प्रोग्रेसिव एन्हांसमेंट और टेस्टिंग का इस्तेमाल होता है ताकि सभी यूजर्स को सिमिलर एक्सपीरियंस मिले सीएसएस स्पेसिफिसिटी क्या है और किस तरह का इम्पैक्ट होता है स्टाइलिंग पर स्पेसिफिसिटी सीएसएस रूल्स के प्रायोरिटी लेवल को डिफाइन करता है जब मल्टीपल रूल्स एक एलिमेंट को टारगेट करते हैं स्पेसिफिसिटी डिटर्मिन करता है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा स्पेसिफिसिटी का ऑर्डर होता है इनलाइन स्टाइल्स आईडीएस क्लासेस और एलिमेंट्स जिस रूल का ज्यादा स्पेसिफिक सिलेक्ट हो वो ज्यादा प्रायोरिटी रखता है सीएसएस लेस क्या होते हैं और उनके फायदे क्या हैं CSS प्रीप्रोसेसर्स एडवांस CSS लिखने के लिए टूल्स होते हैं जो वेरिएबल्स, नेस्टिंग, मिक्सिंस और फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं ये डेवलपमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं सी एस ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स में क्या फर्क है कौन कब इस्तेमाल होता है CSS ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स दोनों लेआउट सिस्टम्स हैं लेकिन उनका इस्तेमाल अलग सिचुएशन के लिए होता है फ्लैक्स बॉक्स एक डायमेंशन में रो कॉलम एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए यूज होता है जबकि सीएसएस ग्रिड टू डी लेआउट रोज और कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है सीएसएस ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फर्क है सीएसएस ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट करते हैं जबकि एनिमेशन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स और इफेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं ट्रांजिशन जनरली सिंपल चेंजेस के लिए यूज होते हैं जबकि एनिमेशन एलैबरेट इफेक्ट्स के लिए सीएसएस फ्लोट और सीएसएस पोजिशनिंग में क्या फर्क है सी एस एस फ्लोट एलिमेंट्स को पेज के लेफ्ट या राइट साइड पर मूव करने के लिए यूज होता है जबकि पोजिशनिंग लाइक रिलेटिव एब्सिल्यूट एलिमेंट्स को स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पर प्लेस करने के लिए यूज होती है सी एस एस सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स में क्या फर्क है सूडो क्लासेस जैसे कि हावर एंटीहेज चाइल्ड एलिमेंट्स के स्पेसिफिक स्टेट्स को टारगेट करने के लिए यूज होती है जबकि सूडो एलिमेंट्स जैसे कि बिफोर आफ्टर एलिमेंट्स के स्पेसिफिक पार्ट्स को टारगेट करने के लिए यूज होती हैं। सीएसएस स्पेसिफिसिटी और इंपॉर्टेंट का इस्तेमाल क्या होता है इंपॉर्टेंट सीएसएस प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी देती है लेकिन यह स्पेसिफिसिटी को ओवर राइड कर देती है इसका यूज अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यह डिबगिंग और मेंटेनेंस को कॉम्प्लेक्स बनाता है सीएसएस एट मीडिया क्वेरीज क्या होते हैं और रिस्पॉन्सव डिजाइन में कैसे इस्तेमाल होती हैं एटमीडियो क्वेरीज डिफरेंट डिवाइसेज और स्क्रीन साइजेस के लिए स्पेसिफिक सीएसएस रूल सेट करने के लिए यूज होती हैं ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन अचीव करने में मददगार होती है जिससे पेज डिफरेंट डिवाइसेज पर प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो सीएसएस थ्री में ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म्स क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं सीएसएस ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्मूथ ट्रांजिशन बनाते हैं जबकि ट्रांसफॉर्म्स एलिमेंट्स को स्केल रोटेट स्क्यू और मूव करने के लिए यूज होते हैं ये इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं सीएसएस वेरिएबल्स कस्टम प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं सीएसएस वेरिएबल्स कस्टम वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं जो रियूजबल और मेंटेनेबल सीएसएस लिखने में हेल्प करते हैं इनको वेरिएबल नेम सिंटैक्स से डिक्लेयर किया जाता है सीएसएस बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी क्या करती है और इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी एलिमेंट्स के कंटेंट बॉक्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो डिफाइन करती है जैसे कि कंटेंट बॉक्स बॉर्डर बॉक्स बॉर्डर बॉक्स का इस्तेमाल करना साइजिंग को कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल बनाता है सीएसएस ब्लेंड मोड्स क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह होता है सीएसएस ब्लेंड मोड्स इमेजेस और कलर्स को मिक्स करने के लिए यूज होते हैं ब्लेंडिंग ऑपरेशन जैसे कि मल्टीप्लाई स्क्रीन ओवरलेक के थ्रू सीएसएस जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या करती है और कैसे यूज होती है जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी एलिमेंट्स के स्टैकिंग ऑर्डर को डिफाइन करता है हायर जेड इंडेक्स वैल्यूज वाले एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर आते हैं इसका इस्तेमाल लेयरिंग और पोजिशनिंग में होता है सीएसएस ट्रांजिशंस के लिए टाइमिंग फंक्शंस क्या होते हैं टाइमिंग फंक्शंस ट्रांजिशंस के स्पीड को डिफाइन करते, है. करते हैं ये फंक्शन जैसे कि ईज लिनियर ईज इन आउट ट्रांजिशन के शुरुआत एंड और स्पीड को कंट्रोल करते हैं सीएसएस की फ्रेम्स और एनिमेशन में क्या फर्क है सीएसएस की फ्रेम्स एनिमेशन के स्पेसिफिक स्टेजेस को डिफाइन करते हैं जबकि एनिमेशन की फ्रेम्स को यूज करके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं सीएसएस प्रिप्रोसेस के एडवांस फीचर्स और उनके इस्तेमाल का ताजीरा करें प्रिप्रोसेस जैसे कि सैस लेस एडवांस सी एस एस लिखने के लिए फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वेरिएबल्स रियूजल वैल्यूज नेस्टिंग सेलेक्टर्स को नेस्टेड स्ट्रक्चर में लिखना फंशन रियूजल कोड ब्लॉक्स डिवेलपमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं और कोड को मेंटेनेबल बनाते हैं सी एस एस आर्किटेक्चर पैटर्न बैम एस एम ए सी एस एस ओ ओसीएसएस क्या होते हैं और किस तरह से प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं ये आर्किटेक्चर पैटर्न सी एस एस कोड को ऑर्गेनाइज और मेंटेनेबल बनाने के लिए यूज होते हैं बैम ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर एलिमेंट नेमिंग कन्वेंशन है एस एम ए सी एस एस स्केलेबल एंड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर फॉर सी एस एस मॉड्यूलर अप्रोच प्रोवाइड करता है और ओ सी एस एस ऑबेक्ट ऑरियंटेड सी एस एस कोड रीयूज़ को एम्फोसाइज करता है सी एस एस ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स के एडवांस फीचर्स और यूज केसेज डिस्कस करें सी एस एस ग्रिड टू डी ले सिस्टम है जो कॉम्प्लेक्स लेआउट को डिफाइन करने में हेल्प करता है जबकि बॉक्स वन डी सिस्टम है जो एलिमेंट्स को कॉलम में करता है ग्रिड के एडवांस फीचर्स इंक्लूड करते हैं सब ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट एरियाज और एक्सप्लिसिट ग्रिड ट्रैक्स जबकि फ्लेक्स बॉक्स के एडवांस फीचर्स इंक्लूड करते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी अलाइनमेंट और फ्लेक्स कंटेनर के साथ जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल सीएसएस एनिमेशन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए किस तरह से की जा सकती है सीएसएस एनिमेशन के परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हार्डवेयर एक्सेलरेटेड प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है GPU accelerated properties जैसे कि transform और opacity smooth animations को ensure करते हैं Animations में hardware resources efficient इस्तेमाल करने के लिए browsers developer tools का इस्तेमाल करके animation performance optimize की जा सकती है CSS custom properties, variables, के dynamic nature और practical use cases पर चर्चा करें CSS custom properties, variables, dynamic values को define करने के लिए use होते हैं ये रियूजेबल वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं जो रन टाइम में चेंज हो सकते हैं इनका इस्तेमाल डेमिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन और कॉम्प्लेक्स लेआउट के लिए होता है सीएसएस प्रीलोडिंग प्रीफेचिंग और लेजी लोडिंग के कॉन्सेप्ट तफसील से बताएं सीएसएस प्रीलोडिंग एक टेक्निक है जिसमें ब्राउजर फ्यूचर यूज के लिए सीएसएस रिसोर्सेज को प्रीलोड करता है प्रीफेचिंग में ब्राउजर फ्यूचर यूज के लिए रिसोर्सेज को फेच करता है जबकि लेजी लोडिंग में एलिमेंट्स एलिमेंट लोड होते हैं जब वो व्यू पॉइंट में आते हैं सीएसएस आर्किटेक्चर ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ की समझ और ऑप्टिमाइजेशन के तारीखें बताएं क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें सीएसएस के लोड होने से पहले कंटेंट रेंडर होने की प्रायोरिटी होती है इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए रेंडर ब्लॉकिंग सी को मिनिमाइज किया जाता है सीएसएस को कंप्रेस और मिनिफाई किया जाता है और क्रिटिकल सीएसएस को इनलाइन किया जाता है सीएसएस वेरिएबल्स के इनहेरिटेंस और स्कोप के बारे में बताएं सीएसएस वेरिएबल्स लोकल स्कोप के साथ इनहेरिटेंस भी फॉलो करते हैं ये कैस्केड होती है यानी अगर एक एलिमेंट के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर की गई है तो वो अस एलिमेंट के चिल्ड्रन एलिमेंट्स में भी इनहेरिट होगी सीएसएस आर्किटेक्चर में बेम मैथडोलॉजी और सीएसएस मॉड्यूल्स का रोल एक्सप्लेन कैरिन बेम मैथडोलॉजी नेमिंग कन्वेंशन प्रोवाइड करता है जो सीएसएस क्लासेस को मॉड्यूलर बनाता है जबकि सीएसएस मॉजूल्स सीएसएस कोड को कॉम्पोनेंट बेस्ड अप्रोच में ऑर्गेनाइज करता है सीएसएस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्रिटिकल सीएसएस और पर्जिंग अनयूज सीएसएस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है क्रिटिकल सीएसएस पेज के इनिशियल रेंडर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है ये मिनिमल सीएसएस होती है जो फोल्ड के अपर द फोल्ड कॉन्टेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है पर्जिंग अनयूस्ड सीएसएस डेवेलपमेंट से अनयूस्ड कोड को आइडेंटिफाई करके पेज लोड स्पीड को इम्प्रूव करता है सीएसएस हुडीनी के मौजूद और उनकी कैपेबिलिटीज डिस्कस करें सीएसएस हुडीनी सीएसएस इंजिन के इंटरनल्स तक एक्सेस करने के लिए एपस प्रोवाइड करता है ये मौजूद लाइक पेंट अपी लेआउट अपी और एनिमेशन वर्कलेट डेवलपर्स को ग्रैन्युलर कंट्रोल देते हैं स्टाइलिंग और लेआउट पर सीएसएस ब्लेंड मोड्स और फिल्टर इफेक्ट्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताए सीएसएस ब्लेंड मोड इमेजेस और कलर्स को मिक्स करने के लिए यूज होती हैं, जबकि फिल्टर इफेक्ट्स इमेजेस और एलिमेंट्स पार इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए यूज होते हैं जैसे ब्लर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट और हुए रोटेट सीएसएस शेप्स और क्लिप पथ के डिफरेंस और उनके क्रिएटिव यूजेस पर चर्चा करें सीएसएस शेप्स शेप्स सर्कल पॉलीगोन अलिप्स को डिफाइन करने के लिए यूज होती हैं जो टेक्स्ट या लेआउट में अप्लाई की जा सकती हैं क्लिप पाथ आर्बरी शेप्स को डिफाइन करने के लिए यूज होती है जो एलिमेंट्स को कट आउट करते हैं सीएसएस रिस्पॉन्सिव इमेजेस के लिए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स बताएं रिस्पॉन्सिव इमेजेस के लिए एस आर सी सेट अट्रीब्यूट और साइजेस अट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है डिफरेंट रेजोल्यूशन और स्क्रीन साइजेस के लिए इमेजेस सर्व करने के लिए सी एस एस मीडिया क्वेरीज और आर्ट डायरेक्शन भी रिस्पॉन्सिव इमेजेस के लिए ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं सी एस एस डिबिंग टेक्निक्स और ब्राउजर डिवेलपर टूल्स का इस्तेमाल ऑप्टिमाइज करने के लिए एक्सप्लेन करें ब्राउजर डिवेलपर टूल्स जैसे की क्रोमडेव टूल सी एस एस डिबिंग के लिए पावरफुल टूल्स प्रोवाइड करते हैं ये टूल सीएसएस सेलेक्टर्स प्रॉपर्टीज और लेआउट को इंस्पेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं इसके अलावा लिंटिंग टूल्स जैसे कि स्टाइल लिंक भी सीएसएस एरर्स को आइडेंटिफाई करने में मददगार होते हैं टू व्यू ये था आज का सीएसएस का कम्प्लीट इंटरव्यू इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे अयाज अहमद बहुत बहुत शुक्रिया आपका अयाज आपने अपना कीमती वक्त दिया इंटरव्यू के लिए यू आर मोस्ट वेलकम इट्स ऑल माई प्लेजर तो व्यूअर आज का इंटरव्यू खत्म होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आ इस तरह की और भी वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने होस्ट मोहम्मद हुसनान रजा को दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज